लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो वो एंड हो गया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या है, वो डिटरमिनेंट चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि उसका जो फ़ोटो होता है डिटरमिनेंट का, ये फ़ोटो होता है, ये इस टाइप का फ़ोटो होता है। अब इसमें अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि डिटरमिनेंट हमेशा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लिया जाता है। डिटरमिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेगुलर मैट्रिक्स, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, है ना। तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अब यानी अब इसको कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं कि जैसे लिखा है कि एफ ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये, यहाँ पे एक जनरल मैंने कोई डिटरमिनेंट लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स, या एफ वन कर देता हूँ, एफ वन एक्स और एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स, और इसको लेट कर देता हूँ जी वन एक्स और ये जी टू एक्स और ये जी थ्री एक्स, ये आपका एच वन एक्स, एच टू एक्स, एच थ्री एक्स, ये आपका कोई डिटरमिनेंट है। अब आपको इस डिटरमिनेंट को डिफ्रेंशिएट करना है ना, वी वांट टू डिफ्रेंशिएट दिस डिटरमिनेंट। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसा मैंने बताया कि डिफरेंस, ये जो डिटरमिनेंट होगा ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, तो ये या तो 3x3 का होगा या 2x2 का होगा या 4x4 का होगा। तो इसका डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आर वन, है ना, फर्स्ट रो का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एफ डैश वन एक्स, एफ इसको प्राइम बोलते हैं, एफ प्राइम, है ना, एफ टू प्राइम एक्स, डिफ्रेंशिएशन को प्राइम कहा जाता है लेकिन आप डैश भी कह सकते हो, जो भी ठीक है, जो आप अच्छा फील करें, एफ प्राइम, है ना, एफ थ्री प्राइम एक्स और आर टू आर थ्री एज इट इज, नो चेंज, ये एज इट इज लिखा जाएगा, जी वन एक्स, जी टू एक्स, जी थ्री एक्स, एच वन एक्स, एच टू एक्स, एच थ्री एक्स, ठीक। अब आर वन का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब आर टू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जब आर टू का करेंगे तो नेक्स्ट, है ना, प्लस लगा के लिखेंगे प्लस, अब इसका करेंगे तो आर वन आर थ्री एज इट इज़ लिखा जाएगा, एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स, जी प्राइम वन एक्स, जी टू प्राइम एक्स, जी थ्री प्राइम एक्स, एच वन एक्स, एच टू एक्स, एच थ्री एक्स, ये आपका एज इट इज़ होगा। अभी नहीं, अभी इसका भी करना है, तो जब इसका करेंगे फिर प्लस लगा के लिखेंगे, आर वन आर टू एज इट इज़, एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स, जी वन एक्स, जी टू एक्स और जी थ्री एक्स, एच वन प्राइम एक्स, एच टू प्राइम एक्स, एच थ्री प्राइम एक्स, ये इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर वो 3x3 का है तो पहले आर वन का करेंगे, तो जब आर वन का करेंगे तो आर टू आर थ्री कॉपी राइट कर देंगे, फिर प्लस करेंगे
आर टू का करेंगे तो आर वन आर थ्री इसको कॉपी कर देंगे, फिर उसके बाद जब आर थ्री का करेंगे तो आर वन आर टू कॉपी कर देंगे, तो ये हो गया। अब आप थोड़ा सा सोचिए इसका आर्डर कितना है, 3 बाई 3, तो इसके कितने डिटरमिनेंट आपको मिलेंगे, 3 है ना, 3 डिटरमिनेंट आपको मिला। अगर वो 2 बाई 2 का होता तो 2 डिटरमिनेंट आपको मिलता। सपोज़ करिए कि अगर वो 2 डिटरमिनेंट, 2 आर्डर का डिटरमिनेंट होता तो आपको एक ये मिलता और एक ये मिलता, क्योंकि इसमें आर थ्री तो था नहीं, तो आर थ्री नहीं होता तो ये नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ कर सकते हैं, कॉलम का भी कर सकते हैं, कॉलम की भी किया जा सकता है। अब देखिए इसमें कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट से इसे कुछ भी नहीं है, है ना, इस पर कुछ नहीं करना है। आर वन अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आर टू आर थ्री एज इट इज़, अगर आप आर टू का करेंगे तो आर वन आर थ्री एज इट इज़, आर थ्री का करेंगे तो आर वन आर टू एज इट इज़। तो क्वेश्चन है ये, एग्जांपल एनसीईआरटी को ही है ये, ये लिखा है कि इफ़ वाई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी प्रूव दैट dy/dx एफ प्राइम एक्स जी प्राइम एक्स एच प्राइम एक्स एल एम एन ए बी एंड सी, ये शो करना है, ठीक। तो अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, dy/dx इज इक्वल टू आर वन का करें तो एफ प्राइम एक्स जी प्राइम एक्स एच प्राइम एक्स आर टू आर थ्री, है ना, ये हाँ। इसका जब आप, ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, एल एम और एन ए बी सी और प्लस, ठीक। अब आप इसका करिए, आर टू का करिए, तो आर टू का करोगे तो एफ एक्स और जी एक्स एच एक्स और इसके बाद इसका 0 0 0 ये ए बी सी, है ना, ये सब का, क्योंकि सब कांस्टेंट लिखा हुआ है। अरे ये सब कांस्टेंट है, इसके पास एक्स नहीं है, तो जब एक्स नहीं है तो कांस्टेंट है। और प्लस अब इसका करिए आर थ्री का, तो एफ एक्स और जी एक्स और एच एक्स और इसका क्या होगा, एल एम एन और ये 0 0 0, ठीक है। ये मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये एज इट इज़ आपका होगा, एफ प्राइम एक्स जी प्राइम एक्स एच प्राइम एक्स एल एम एन ए बी एंड सी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, If any row or columns, all the elements are zero, then we can say that from the property of determinant, the value of this is zero, and this value of determinant is zero. So final we get the answer is f prime x, g prime x, h prime x, l, m, n, a, b, c. और यही मुझे प्रूव करना था।
hence proved. ऐसे इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं. तो बस इतना ही इसमें. उसके बाद अब इसमें कुछ है भी नहीं. हाँ, बंद कर दीजिए.